हमारे देश में मीडिया है क्या? हमारे देश में पत्रकार बचे हैं क्या? नहीं बचे हमारे देश में पत्रकार, नहीं बची है मीडिया। और तो छोड़ो, रात को आप देखिए जब मुर्गे लड़ाए जाते हैं 6 से 8-9 बजे के बीच में, सरकार कोई मुद्दा भूल भी जाती है ना तो मीडिया याद दिला देती है, तुम ये भूल गए, ये वाला रह गया मुद्दा, इस पर हम थोड़ी बहस कर लेते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस देश की चिंताएं हैं श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका आज पूरी दुनिया के सामने एक नज़ीर बनकर के उभरा है। आप देख लीजिए वहाँ भी, हमारे हिंदुस्तान में जितना राष्ट्रवाद नहीं है ना, इससे 1000 गुना राष्ट्रवाद था श्रीलंका में। वहाँ आज के 15-20 साल पहले इसी तरीके से तमिलियन और शिंगली को लड़ा करके जो है सरकार बनाई गई और लगातार धनमंता की सीमाएं पार कर दी गई, अंधविश्वास पूरी तरीके से चरम की सीमा को पार कर गया। और आज दिक्कत ये नहीं है कि वहाँ पेट्रोल नहीं बचा, खाद्य सामग्री नहीं बची, आप वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सारी महंगा ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका इतना कर्जदार हो गया कि कर्जा ही नहीं चुका सकता, वो दिवालिया होगा, आने वाले 50 सालों तक उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती। तो भारत पे भी बढ़ रहा है। हाँ, तो चिंता इसीलिए है ना देश को। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर आपने देखा होगा वहाँ जिस तरीके से लोग घुसे, शायद इतिहास में पहली बार होगा कि श्रीलंका में हर 15 सेकंड में एक राष्ट्रपति बदल रहा था। लड़के बैठ रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे। तो इस देश की जनता, क्योंकि आप तुम ये बात तो सभी जानते हैं ना कि देश की सरकार जनता बनाती है, जनता ही देश की सरकार गिराती है, और जनता तभी तक सहन करती है जब तक उसके पेट पे आँच नहीं आती। जिस दिन पेट पे आँच आएगी ना, उस दिन लग जाएगा कि भाई साहब ये सब कुछ भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये राष्ट्रवाद, ये सब कोई मतलब नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे इस राष्ट्रवाद। मैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से ये याद दिलाना चाहता था कि आप ही हो जो एक समय ये कहते थे कि दिल्ली का रुपया इतना पतला चला होता चला जा रहा है, मतलब बांग्लादेश का रुपया पतला नहीं होता, पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर नहीं होती, नेपाल की करेंसी कमज़ोर नहीं होती, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता चला जा रहा है, और बड़ा तंज कसते हुए वो ये कहते थे। लगता है आजकल दिल्ली सरकार और रुपये के बीच कंपटीशन चल रहा है कि किसकी ईमान ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। आज मैं यही सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आज के संदर्भ में आप क्या जवाब दोगे? तब उनके मुंह से जवाब निकलता नहीं है, लेकिन सुनाई लोगों को यही पड़ता है, बधाई हो विकास हुआ है, रुपया 80 के पार हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री को छोड़ दें, बाकी व्यक्ति विशेष जिसने ये कभी टिप्पणी की थी, आज उस व्यक्ति विशेष को अपने पर शर्म आनी चाहिए। श्री श्री रविशंकर कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री 2014 से पहले का ये ट्वीट है उनका, उन्होंने कहा कि अगर देश में जो है अगर सत्ता में पावर में नरेंद्र मोदी आते हैं तो $1 की कीमत 40 रुपये हो जाएगी, 35 रुपये के आसपास उन्होंने कहा था। और इन्हीं के जैसे एक और थे जो बाबा रामदेव थे, जो कि अब लाला रामदेव हो गए। दुनिया को तो उन्होंने सिखाया कि तुम योग करो, मोह माया से मुक्त हो जाओ, लेकिन मोह माया से मुक्त होने के पीछे जितना जो कुछ तुम्हें हमें हमारे पास दे जाओ, वो अपना बिजनेस और कारोबार तो खड़ा कर लिया और देश का भट्ठा बैठा दिया। आज ये वही लोग हैं जिनसे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो ये जवाब जानते हो क्या देते, पूछ पाड़ लोगे मेरी क्या कर लोगे, ये वही लोग हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश के पास, देश के प्रशासन के पास, देश की न्याय व्यवस्था के पास कुछ है इंतजाम? हो सकता है इनके खिलाफ कुछ, या देश में तमाम वो चीज़ जो देश को सुधारने के लिए बताई गई, जो देश को सुधारने के लिए कही गई, आज वही चीज़ देश के खिलाफ प्रयोग की जा रही। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पे भी सवाल खड़े होते हैं, सरकार की मंशा पे तो सवाल खड़े ही खड़े हैं, लेकिन उससे पीछे सबसे बड़ा सवाल है आखिर देश की जनता कब तक चुप रहेगी? कि बड़ी अर्थव्यवस्था है ये, श्रीलंका नहीं बन सकता। अर्थव्यवस्था को अगर आपको पता हो तो हमारा देश विकासशील पटरी की रफ्तार से नीचे उतर चुका है। विकासशील देशों की सूची में जिन देशों के नाम हैं पूरे विश्व में, उसमें से भारत कहीं दूर जा चुका है। तो कौन से इकोनॉमी की बात करते हो? ये तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, कहाँ गई वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? वो तो छोड़ो, रुपया को तो संभाल नहीं पाए, यही थे जो गला फाड़ फाड़ करके चीख चीख करके कहते थे। आज क्या हुआ भाई मोदी जी को? आप लोग तो विरोधी, अच्छा करें तब भी विरोधी करते हैं आप लोग तो। नहीं, हम विरोधी नहीं हैं, हम देश के शुभचिंतक हैं, और शुभचिंतक हमेशा ही देश के खिलाफ माना जाता है और सत्ता पक्ष ऐसा मानती है, हमें उस बात से कोई तकलीफ नहीं है। हम देश के लोगों के साथ हैं और उनकी तकलीफों में, उनकी समस्याओं में तब तक सवाल उठाते रहेंगे, तब तक सवाल करते रहेंगे जब तक उन समस्याओं का निदान नहीं हो जाए। चाहे बीजेपी की सरकार आज है, कल कोई दूसरी आएगी, परसों कोई तीसरी आएगी, हमारा काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछेंगे, चाहे फिर हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें लाठी खानी पड़े, चाहे कुछ भी होना पड़े। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आज इंडिया के न्यूज़पेपर में या टीवी पे जो न्यूज़ चल रही है, चाहे वो मुस्लिम को लेकर हो, ईसाई को लेकर हो, सेम यही श्रीलंका में था कुछ दिन पहले,
तो क्या भारत में ये हालात हो जाएंगे? मैंने कहा ना, देश की चिंताएं हैं और इन चिंताओं में देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए आकर के। एक आंकड़ा होता है, अगर आपको पता हो, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक आंकड़ा होता है, जिस आंकड़े में सूचकांक देखा जाता है कि किसी देश को बर्बाद होने के लिए उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। मात्र 8 अंक पीछे है भारत उससे। चिंताएं देश की इसलिए ज्यादा है, चिंताएं सबसे बड़ी है। इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म खतरे में, आप अगर भी तो बचाने देखिए, और तो छोड़िए आप, ये तो साहब तो सारी सीमाएं क्रॉस हो गई। अभी आज के अखबार में एक ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन थी, उसमें लिखा है, एक पत्रकार ने छापा है, उसमें एक अखबार ने लिखा है कि अब जाकर के इकोनॉमी की कमान नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में संभाल ली है आखिरकार। अरे भाई, आज तक क्या कर रहे थे आप? वो कमान किसी दूसरे देश में थी, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पास थी क्या? तो आप देखिए, जैसे आज आप सवाल पूछ रहे हो, इन सवालों पर रोक लगने वाली है बहुत जल्दी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के एक लेटर इशू किया गया, तमाम ऐसे शब्द जिन पर रोक लगा दी गई, और शब्दों पर ही नहीं, दत्ती लेकर के विरोध नहीं कर सकते, आपत्ति नहीं जता सकते। आप तो छोड़ो, विपक्ष आपत्ति नहीं जता सकता। भाई प्रधानमंत्री जी, एक काम करिए ना, फिर वो संसद भवन का गेट करिए बंद, लगाइए सिकनी, डालिए ताला और बोल दीजिए, भाई साहब इस देश में तानाशाह एक है, एक ही रहेगा, मैं अकेला राजा हूँ, मैं ही राजा रहूँगा। लेकिन एक बात मैं प्रधानमंत्री जी से और कह देना चाहता हूँ, ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र है, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है। और देश का लोकतंत्र देश के लोगों से बनता है, देश की सरकारें देश के लोग चुनते हैं, देश की सरकारें देश के लोग गिराते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी दिन तुम पूरी जनता ही छू मंत्र कर दो मिस्टर इंडिया की तरह, फिर आप अकेले राजा बनकर रह सकते हो, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। चिंता की बात कर रहे थे, लेकिन चिंता है भारत के लोगों को, यहाँ हिंदुत्व खतरे में, श्रीलंका में बहुत खतरे में था, तो चिंता तो है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, हिंदुत्व तो पैदा ही अभी हुआ ना, 14 साल, मतलब 8 साल पहले जब मोदी जी आए। अरे भाई साहब, हिंदुत्व जो है ना हजारों साल पुराना है, हजारों हजार साल पहले पुराना, और ये सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा जो है, उस परंपरा के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई है वो स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। सबसे बड़ी धर्म की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, मैं तो खुलेआम कई बार कह चुका हूँ, इनका दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानते हैं हिंदुस्तान भावनात्मक देश है, यहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यहाँ इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग करके इनकी भावनाओं को भड़काना, इनकी भावनाओं को उफान पर लाना और फिर उफान पर आकर के अपना फ़ायदा ले लेना बहुत आसान है। इस हिंदुस्तान में जब तक ये भावनाएं बनी रहेंगी, तब तक मैं इस देश के सत्ता पर काबिज रहूंगा। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मोदी जी तो इसने यात्रा निकाल ले, मुसलमानों को अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा प्यार बढ़ा रहे हैं उन्होंने देखिए। मोदी जी तो 8 साल से बहुत कुछ कर रहे हैं, और मोदी जी कर ही रहे थे तभी तो पूरे देश को, पूरे विश्व स्तर पर कितनी बड़ी फजीहत उठानी पड़ी। अब क्या बात करते हो, अब जुमला जी भी शब्द पर इन्होंने रोक लगा दी, अब जुमला जी भी देश की जनता ने तो बोला नहीं था, हमने तो बोला नहीं था, पत्रकार ने तो बोला नहीं था, जुमला तो इन्होंने खुद ही दिया था 15 लाख रुपए का, उसका जस्टिफिकेशन स्वयं अमित शाह ने दिया था न्यूज 18 पर बैठ करके। भाई साहब, आप भी जानते हो 15 लाख रुपए किसी के जेब में नहीं आते हैं, ये पॉलिटिकल जुमला होता है वोट बटोरने के लिए। तो सारे शब्द तुम्हीं ने दिए और देश की जनता ने आपको दिया, आज उन्हीं शब्दों से आपको दिक्कत हो रही है। मैंने जहाँ तक है, मैंने हिटलर की एक किताब पढ़ी है, उस हिटलर की किताब में साफ लिखा है कि जब तानाशाह को डर लगता है वो हर एक उस शब्द पर बैन लगा देता है जो उसकी छवि को नुकसान पहुँचाता हो, जो उसके कल कारनामों के पर्दाफाश करता हो। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, ये दिखाई दे रहा है कि आज पूरी तरीके से डर का माहौल सिर्फ जनता के बीच नहीं है, जनता तो दूसरी स्थितियों को लेकर के डरी हुई है। जनता इनकी सरकार से नहीं डरती है, जनता इस बात से डरी हुई है हमारी आने वाली जो पीढ़ी, हमारा आने वाला जो भविष्य है उसका क्या होगा। सरकार इस बात से डरी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि श्रीलंका में जो हुआ वो हमारे साथ भी हो जाए। और ये बात सच इसलिए भी प्रतीत होती दिखाई देती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात की संख्या मंच से जाहिर कर चुके हैं कि मैं तो फकीर हूँ, जब देखूंगा देश में स्थितियां बड़ी खराब हो गई उठाऊंगा झोला, निकल लूंगा, जो कि श्रीलंका में हुआ। कहां जाएंगे मोदी जी, कुछ उम्मीद? अब ये तो भगवान जाने, ये तो श्रीलंका का जो राष्ट्रपति भाग करके जहां गया हो सकता है उसके बारे में उसे जानकारी होगी, ये मैं नहीं बता सकता। शब्दों पे रोक लगाई जा रही है लेकिन शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने पे कोई रोक नहीं है। अब ये भी देखो, एक सबसे बड़ा सवाल है, अकाली दल का एक सांसद, अभी नवनिर्वाचित सांसद, वो भगत सिंह को आतंकवादी कहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाता है। आप देखिए, इस देश में धर्म की चर्चा होती है लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, अगर भगत सिंह फांसी पे नहीं लटके होते, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहीदी नहीं दी होती, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी नहीं दी होती, गांधी जी ने गोलियां नहीं खाई होती, तो क्या आप और हम आज़ाद हुए होते? क्या हम धर्म की चर्चा कर पाते? हम भाईचारे की बात कर पाते? नहीं कर पाते। आज ये सब कुछ, लेकिन गांधी जी को भी यतीन अरसानंद ने बुरा भला कहा, पढ़ा है आपने? ये तो ये प्रधानमंत्री जी को सोचना है। आप जब विदेशों में जाते हो तो कहते हो मैं गांधी के देश से आया हूँ,
मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बाहर जाकर के कहते हैं बुद्ध के देश से जाया हो, यहाँ आकर के अशोक चक्र में पूरा परिवर्तन कर डालते हो, उनके संकेत उनके संदेश ही बदल देते हो। कहते हो गांधी जी के देश से आया हूँ, कमला हैरिस आपको याद दिलाती है, भाई साहब यहाँ मत्था टेको मत्था टेकते हो, यहाँ आकर के उनको न जाने क्या क्या कुछ कहा जाता है, आपके मुँह में दही जम जाता है, एक शब्द नहीं निकलता है। तो ये दो तरीके की मानसिकता, दो तरीके की विचारधारा बिल्कुल सामने है और स्पष्ट ये दिखाई दे रही है और देश देख भी रहा है। देर न सवेर देखिए, अहंकार जो होता है ना, अहंकार उसका भांडा एक दिन फूटता ही फूटता है। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, इनका भी फूटेगा। चलिए।